बैक टू माई चैनल। सो अभी ऐसा है ना कि देखिए आज हमें जाना है कॉलेज की फ़ीस सबमिट करने हैं। उस अभी हम 2-3 दिन पहले गए थे कॉलेजेस, तो बुक इशू कराया था बट फीस सबमिट नहीं हो पाई थी क्योंकि पापा के पास था फीस वगैरह का। तो आज पापा ने बोला है कि आज चल के फीस सबमिट कर ही देते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो आज जाएंगे हम फीस सबमिट करने, तो फटाफट से रेडी भी होना है, अपने काम भी करना है। फट से रेडी होकर के हम निकलते हैं कॉलेज के। सेक्शन से रिसिप्ट मिलने के बाद हम जाते हैं SBI बैंक, जो कि मेरे कॉलेज के अंदर ही है। तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर अपना जो भी कैश था वो हम सबमिट करते हैं फीस के रूप में, और फिर हमें वहाँ पर 2 रिसिप्ट उन्हें देनी पड़ती है, 2 रिसिप्ट हमें मिलती हैं। तो ये 2 रिसिप्ट आपके सामने हैं, और फिर हम चल देते हैं अपने स्कॉलरशिप सेक्शन, जहाँ हमें ये 2 में से 1 सेक्शन में देनी होती है, एक अपने पास रखनी होती है। मैं अभी कॉलेज से आई हूँ, और कॉलेज से आने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार बहुत कुछ अभी मेरा छूटा हुआ है। देखो, मैंने फीस ही सबमिट करना था तो वो मेरा काम 15 मिनट में ही हो गया था, लेकिन अभी मेन काम आता है कि सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वह ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, वो जा कर के मैंने पूछा वहाँ सर से। तो उनका कहना था कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अगर भरा होगा तो वेट करो, आ जाएगी स्कॉलरशिप। बट मुझे अंदर से लग रहा था कि शायद मैंने फॉर्म ही नहीं भरा ऑनलाइन का। तो मैंने सर से कंफर्म किया कि सर अभी पोर्टल खुला है क्या, तो सर थोड़ा मुझे मतलब बोले कि जाकर एक बार चेक कर लो, शायद अभी पोर्टल खुला है और आज शायद लास्ट डेट है। तो मेरे को सास में सास आई, मैंने चलो जाते हैं साइबर कैफ़े पता करते हैं। वहाँ गए, सेकेंड बात अब आती है, मेरे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड ही नहीं, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कहाँ लिखा है। फिर जैसे तैसे याद आते हैं कि मैंने प्रिया की कॉपी में यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा था, तो फटाक से मैंने उसको कॉल लगाया, उससे यूज़र आईडी पासवर्ड लिया और फिर खुलवाया। तो उनका कहना था साइबर कैफे वाले का कि आपने 19 जनवरी को सेकेंड ईयर का फॉर्म भर चुका है बट अभी भी पेंडिंग है, आपको ऑफलाइन फॉर्म जमा करना होगा। तो फिर मुझे समझ में नहीं है कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे जमा करना है, मेरे को ये याद नहीं है कि मैंने फर्स्ट ईयर में भी ऑफलाइन फॉर्म जमा किया है, उसमें थोड़ी डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं वो आपको लगाना पड़ता है, और HOD से सिग्नेचर करके आपको वहाँ सबमिट बस करना होता है। ये काम सिर्फ इतना ही है, और आपको वहाँ जाकर जमा करना होता है और वो आपका फॉर्म खुद वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद स्कॉलरशिप आ जाती है। सिर्फ इतना काम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं वहाँ जा करके स्कॉलरशिप सेक्शन में जाके बात करती हूँ कि सर ऑफलाइन फॉर्म क्या होता है, मैं इतनी बुद्धू। फिर मैंने पूछ लिया, उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप फॉर्म के डॉक्यूमेंट ला करके हमें दिखा दो अभी आज ही, जब लाना हो आपको बट आज ला कर दिखा दो, और मुश्किल है आज या कल में आपका HOD का साइन हो, जब भी HOD आपके आए साइन करवा के आप मुझे सबमिट कर देना, लेकिन मैं आज आपका फॉर्म वेरीफाई कर दे रहा हूँ, अपडेट हो जा रहा है आपका फॉर्म, लेकिन आपके पास सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन का ही टाइम रहेगा। अगर आपका फॉर्म मेरे पास आता है तो वो वेरीफाई रहेगा, और अगर नहीं आता तो आपका वो वेरीफाई फॉर्म वाला वो कैंसिल हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना कि फटाफट से आप अपना काम कर लो। मैंने बोला ओके सर, मैं आज आपके लिए आज अभी के अभी डॉक्यूमेंट वगैरह ला करके आपको देती हूँ। तो इसीलिए अब मुझे फिर से कॉलेज जाना है, और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में लेकर जा रही हूँ, और बस आज मैं ये अलग काम कर लूँगी यार भाई। फटाक से जाते हैं हम, बाय बाय बाय। बहुत रोना आ रहा है, मैंने बहुत डांट पड़ी है भाई। सो गाइस, फिर से हम जा रहे हैं कॉलेज, और पेट्रोल भी भरवा लेते हैं गाइस, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए आधे रास्ते में।
मैं कॉलेज के अभी फिज़िक्स डिपार्टमेंट में बैठी हूँ, जहाँ मैं अक्सर आकर के बैठती हूँ। बट वो क्या रहा है ना कि मैं अभी फ़ोटोकॉपी करवा कर आई हूँ, बहुत एक स्कॉलरशिप फॉर्म की थी और एक समग्र आईडी जो कि मेरे पास नहीं थी, तो उसकी फ़ोटोकॉपी कराई मैंने और अभी बैठ करके वो भरूँगी। उसके बाद ले जाकर एक बार चेक कराना पड़ेगा सर को, और HOD सर के साइन आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी गाड़ी जब भी गिर गया तो HOD सर तो है नहीं यहाँ पर, तो HOD सर के साइन कल या परसों ही हो पाएंगे या फिर जब कॉलेज हो चालू होंगे तब। तो अभी बस इनकी तसल्ली के लिए कि यार मैंने काम किया है, फॉर्म भरा है, तो उनको जाके दिखा दूँगी, तो एक बार वेरीफाई हो जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। पहले काम कर फाइनली मेरा फॉर्म भर चुका है और अभी हम जाएंगे इसको सबमिट करने। तो पहले इसको सब कुछ को साथ को सब साथ में स्टैपलर कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे एडमिन ब्लॉक। ठीक है, चलो बाय। यहीं कॉलेज में हूँ, फॉर्म सबमिट करने गई थी अंदर एडमिन ब्लॉक में, अकाउंट सेक्शन में, मतलब स्कॉलरशिप सेक्शन में सॉरी। तो वहाँ फॉर्म भर के आई मैं, देकर देने गई सर को, तो सर बोलते हैं मेरे को कि बेटा जाओ सिग्नेचर करा के आओ। मैं कहाँ से कराऊँ भाई, कोई मेरा डिपार्टमेंट में होना भी तो चाहिए। मैंने फिर सर को बोला कि सर डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं, तो सर बोलते चलो ठीक है तुम 3 तारीख को ही कराना जब कॉलेज स्टार्ट होंगे। मैंने बोला था मेरा आज होना मुश्किल है, नामुमकिन, आई एम वेस्ट। चलो जाते हैं अब हम घर, बहुत तेज की भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अभी पेट पूजा ज़रूरी है, तो घर जाते हैं। आपसे बाद में मिलेंगे घर जाके, बाय। घर आई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाना खाएंगे उसके बाद हम काम करेंगे। तो देखो पीछे से मेरी बहन झांक रही है, देख लो भाई देख। गाइस मेरा खाना पीना हो गया डन, लेकिन अभी मुझे एडिटिंग और अपलोडिंग करना है, तो वो काम मेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। बट अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन 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 ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट तो 100% करना, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा क्या कर रही हूँ। तो कमेंट प्लीज़ करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून।